Welcome to Modern Technology Bhopal. I'm Abhishek Mishra. I'm a software development trainer at Modern Institute Bhopal. C language सीखने की ये second video series है. अगर आप C language को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने career में job पाने के purpose से या फिर programming language को अच्छे ढंग से समझना चाहते हो, सबसे पहले आपको कुछ basic बातों को जानना बहुत ही जरूरी होगा, right? जो अभी basic fundamental videos मैंने बनाए हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखे, जो first video, second video उसे आप जरूर देखिएगा. ये C language सीखने का थर्ड वीडियो लेक्चर है, राइट? इस वीडियो सीरीज में अपन कवर करने वाले हैं कि एक्चुअली अपना जो मेन पर्पस होता है सी लैंग्वेज सीखने का, उसका अल्टीमेटली गोल होता है एक्सी बनाना. एक्सी बनाना मतलब सॉफ्टवेयर बनाना, राइट? तो सॉफ्टवेयर कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे अपने कंप्यूटर पे रन करता है, कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे उसकी कॉपी बनती है, मतलब पूरी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, आपको प्रोग्राम का एक रियल सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन पहले समझना पड़ेगा, देन ही आप अपने सी को और भी बेटर ढंग से और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. सो सबसे पहले मेरा तो यही सजेशन है आप सभी को कि सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को टोटली क्लियर करिए अपने माइंड में, देन और भी इजी होगा और बहुत जल्दी आसानी से आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाएंगे. सो इस वीडियो सीरीज में अपन देख रहे हैं हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर, राइट? तो समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन को, कैसे रन होता है हमारे कंप्यूटर पे प्रोग्राम, कैसे सॉफ्टवेयर, राइट? इसे आप वन बाय वन समझिए. बेसिक स्टेप्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं. समझते हैं प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन क्या होते हैं, क्यों इसको यूज करते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है और हमारे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कैसे होता है, राइट? तो इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस मतलब ऑर्डर्स होते हैं जो हम कंप्यूटर में कोई भी काम कराने के लिए देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस के जब ग्रुप बन जाते हैं, कलेक्शन बन जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो हम उसी इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं एक प्रोग्राम. जो प्रोग्राम जो होता है, अगर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसके पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है एक्सप्लेन में, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसे आप पहले देख लीजिए, राइट? तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को आप बोलते हो एक प्रोग्राम, और जब प्रोग्राम के बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर. तो आज के इस वीडियो में हम वही देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम, हमारा सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पे चलता कैसे, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे रन होता है, ओके? तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को समझो. सो आपको पता है, हम इसके पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन सिर्फ जीरो एंड वन मतलब बाइनरी डिजिट समझती है, ओके? बाइनरी डिजिट और कंप्यूटर के समझने का एक और तरीका होता है एक्सटेंशन, राइट? वो हर एक चीज, हर एक फाइल्स को क्या करता है, एक्सटेंशन समझता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट की फाइल है तो TXT, डॉक की फाइल है तो MS, डॉक की फाइल है तो डॉक, PPT की, पावर पॉइंट की फाइल है तो उसे PPT, म्यूजिक की है तो .MP3, वीडियो है तो .MP4. तो हर एक चीज को समझने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर यूज करता है एक्सटेंशन. वैसे ही अगर कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन है, तो उसे समझता है वो EXE फॉर्म में, राइट? और EXE ही अपना होता है सॉफ्टवेयर. तो अल्टीमेटली हमारा सी सीखने के बाद, सी लैंग्वेज सीखने के बाद अपना गोल यही होता है एक EXE बनाना, ओके? मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाना, ओके? अब EXE कैसे रन होता है आप कंप्यूटर पे वो देखते हैं. तो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सबसे पहले वो हार्ड डिस्क में सेव रहता है, ओके? आप भी अपने प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, और वो इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में या ई ड्राइव में, या फिर आपने जहाँ भी विंडो इंस्टॉल किया है, या फिर आप उसी कस्टम लोकेशन भी सेट कर सकते हो. तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्या होता है, हमारे हार्ड डिस्क में सेव रहता है. जैसे हम उसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी एक कॉपी रैम पे बनती है, ओके? ये हम समझ रहे हैं स्टेप अपने कंप्यूटर का, अपने कंप्यूटर के, कि वो कैसे कोई भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं हम, तो सॉफ्टवेयर चलता कैसे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ओके? तो उसकी एक कॉपी बनती है. जैसे हम डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसकी एक कॉपी रैम पे बन जाती है. आफ्टर दैट सारा काम अपना आ जाता है प्रोसेसर पे, मतलब CPU पे, ओके? अब ये एक्चुअली इसे इसका पर्पस होता है हमारे कंप्यूटर के सारे एक्टिविटी, सारे के सारे प्रोसेस को मैनेज करना, ओके? तो ये मैनेज तभी कर पाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से ये काम करता है. जैसे अभी हमने एग्जीक्यूट किया अपना सॉफ्टवेयर, अपना प्रोग्राम, तो वो कहाँ गया, रैम में, उसकी कॉपी बनी. अब रैम से क्या होता है, CPU में जाता है, और मेमोरी यूनिट क्या करता है, उस जो कॉपी रैम पे बनी है उसे उठा के वो CPU में लाता है, प्रोसेसर में लोड करता है. लेकिन वो उसके अंदर लिखा क्या है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई है, वो उसे रीड नहीं कर पाता. तो रीड करने के लिए वो यूज़ करता है कंट्रोल यूनिट का. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन रीड करता है, और जैसा जैसा उसमें लिखा होता है, देन वो वैसा वैसा ALU को, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को बोल देता है. और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे हार्डवेयर को, जैसा जैसा उस फाइल में, जैसा जैसा उस इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, वैसे वैसे वो परफॉर्म कर देता है. तो ये रही बात एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की, कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारे कंप्यूटर्स पे, क्या एक नॉर्मल प्रोग्राम
प्रोग्राम के कलेक्शन को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो प्रोग्राम बोले सॉफ्टवेयर बोले एक ही बात होती है, ओके, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम को ही तो आप एक सॉफ्टवेयर बोलते हो। तो ये तो रही बात एक सॉफ्टवेयर को कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारे मशीन पे, ओके। सबसे पहले वो हार्ड डिस्क में होता है, उसकी कॉपी रैम पे बनती है, मेमोरी यूनिट उसे प्रोसेसर में लोड करता है, कंट्रोल यूनिट उसको वन बाय वन उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं इंस्ट्रक्शंस के सेट उसको वन बाय वन रीड करता है, जैसा जैसा लिखा होता है वैसा वैसा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को बोल देता है और वैसे वैसे चीज़ें परफॉर्म होने लगती हैं, ओके। तो ये तो रहा सीपीयू का काम, और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ रखा होता है, उसकी कॉपी यहाँ बनती है और पूरा काम होता है अपना सीपीयू पे, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी, क्योंकि आप अल्टीमेटली सी की हेल्प से सॉफ्टवेयर ही डेवलप करना है, तो कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या फ्रेमवर्क होगा, उसे आपको वन बाय वन समझना है। पहले चीज तो हम अपना कोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज, और आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि मशीन सिर्फ और सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी डिजिट का कलेक्शन मतलब 0 एंड 1। तो हम यहाँ कोड करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं आप। अभी हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज की, तो हम यहाँ कोड करते हैं सी लैंग्वेज में, और सी लैंग्वेज में कोड आपको पता है कैसे किया जाता है, नॉर्मल जैसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं किसी नंबर को जोड़ने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिविजन करने के लिए, मतलब अपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कोड करते हैं, ओके। और सी की हेल्प से कोडिंग कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी, क्योंकि मैं आपको अभी पहले इससे पहले बताया कि कंप्यूटर कोई भी फाइल्स को अंडरस्टैंड कर पाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। तो जो हम सी का कोड करेंगे वो सेव होगी हमारी फाइल एक्सटेंशन डॉट सी से, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल में अपनी जो प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग सी की हेल्प से हमने जो फाइल बनाई है उसमें ऐड करेंगे प्री प्रोसेसर, राइट। सॉफ्टवेयर कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि आप बनाने वाले हो, उसको आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के की हेल्प से एक फाइल बनाने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं प्री प्रोसेसर, और उसमें इंक्लूड रहता है हेडर फाइल, राइट। ये प्री प्रोसेसर क्या होता है आगे आने वाले हम वीडियोस में देखेंगे, अभी आप जस्ट लाइक ओवरव्यू देख लीजिए कि ऐसे प्री प्रोसेसर मतलब कुछ ऐसे हेडर फाइल्स, कुछ ऐसी फाइल जो ऑलरेडी रन करके कंपाइल करके रख दी गई हैं, राइट। उनको हम रन और कंपाइल नहीं करते हैं, अभी इतना ही समझिए प्री प्रोसेसर को, राइट। आगे आने वाले क्लास में एडवांस क्लासेस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, सी लैंग्वेज की हेल्प से एक फाइल बनाए, उसमें प्री प्रोसेसर या हेडर फाइल ऐड होती है, ओके। देन उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है एक आई नाम के फाइल में, ओके। अभी कन्वर्जन होता है ये आप करते नहीं हुए, बैकग्राउंड प्रोसेस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप डेवलपर हो, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो, इसलिए आपको ये बात 100% मस्ट है जानना कि एग्जीक्यूशन होता कैसे, ओके। तो आई नाम के फाइल में कन्वर्ट हो जाती है जब वो हेडर फाइल के साथ अटैच हो जाता है। तो अब कंप्यूटर को ये फाइल तो समझ में आती नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 एंड 1। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको इससे पहले ही बताया हूँ कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझता है, हमने तरीका ढूंढ लिया अलग अलग तरीकों से उसे समझाने का, ओके। तो हम बीच में क्या यूज करते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो हमारे इस फाइल को कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 में, राइट। अब मशीन समझ लेती है, तो कंपाइलर के बेसिकली बहुत सारे काम है। कंपाइलर तो ये समझ लीजिए कंपाइलर एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, राइट। इसका काम क्या है कि ये कन्वर्ट करता है हमारे फाइल को जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी रहती है उसको 0 एंड 1 में। कंपाइलर के और भी बहुत सारे काम है, जैसे एरर चेक करता है, हमें वार्न करता है कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, राइट। और दूसरा काम यह है 0 एंड 1 में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कौन, कंपाइलर, ओके। और बन जाती है ऑब्जेक्ट नाम की एक फाइल, राइट। आप बनाते हो डॉट सी मतलब सी के हेल्प से फाइल, और इसके बाद ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये एग्जीक्यूशन होता रहता है अंदर ही अंदर, राइट। अब आप चूंकि एक प्रोग्रामर हो इसलिए बैकग्राउंड प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, ओके। तो कंपाइलर की हेल्प से 0 1 में कन्वर्ट हो जाती है और ऑब्जेक्ट फाइल एक बन जाती है। अब एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो मशीन को समझ में नहीं आते, राइट। जैसे हमें भी, हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, हेल्प ले लेते हैं अपने डिक्शनरी की, और डिक्शनरीज की हेल्प लेने के बाद हमें सारे वर्ड समझ में आने लगते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट नाम की फाइल के अंदर 0 1, बहुत सारे 0 1 होते हैं, कुछ 0 और 1 समझ में नहीं आते कंप्यूटर्स के, इसलिए वो क्या करता है, अपने सपोर्ट के लिए, अपने हेल्प के लिए वो एक लाइब्रेरी फाइल वहाँ पे रखी हुई होती है। तो जो 0 1 की मीनिंग उसे समझ में नहीं आती वो लाइब्रेरी फाइल की हेल्प से उसे समझने की कोशिश करता है, और अब समझने के बाद अब उसके माइंड में ऐसा कोई भी डाउट नहीं है, ऐसे कोई भी 0 1 नहीं है जो उसे माइंड में क्लियर ना हो, राइट। तो वो सारे 0 1 को अंडरस्टैंड प्रॉपरली तरह से कर लेता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इतना काम हो जाने के बाद हम यूज करते हैं एक लिंकर सॉफ्टवेयर, और ये लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट नाम की फाइल को exe में कन्वर्ट कर देता है, और यही exe होता है अपना सॉफ्टवेयर। तो सी की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इतना काम होता है।
आपको सारी की सारी मेहनत करनी है इंस्ट्रक्शंस बनाने में विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज, राइट, मतलब प्रोग्राम बनाने में ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, मतलब प्रोग्राम ही बनाना है, ओके okay? तो सारी मेहनत आपको करना है विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने के लिए। ये सब बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये आपको करना नहीं होता, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज पे कोई भी बेसिक टू एडवांस चीजें पूछी जा सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कुछ बेसिक फंडामेंटल चक्कर में आपका इंटरव्यू से आप बाहर हो, राइट। तो इन सब चीजों को आप क्लियर रखिए अपने माइंड में, क्या सॉफ्टवेयर होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, फिर अपने सी की हेल्प से अगर हम डेवलप करें सॉफ्टवेयर तो उसका प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्या होती है प्री प्रोसेसर, क्या होता है कंपाइलर, क्या होती है लाइब्रेरी फाइल, क्या होता है लिंकर सॉफ्टवेयर, मतलब ईएक्सई, और सी की हेल्प से अल्टीमेटली अपना गोल होता है सॉफ्टवेयर बनाना। तो ये रही प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन की, कैसे डेवलप होता है, कैसे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है हमारे कंप्यूटर्स पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जिन्हें जरूरत है सी लैंग्वेज सीखने की, अब जो बिलोंग करते हैं कंप्यूटर साइंस से। अगर आप कंप्यूटर साइंस से नहीं है फिर भी आपके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना मस्ट है, आप इसे देखिए और जिन्हें जरूरत है उन्हें आप शेयर करिए। और हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।